दोस्तों कैसे आप लोग? दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग की बहुत दिन से इंतजार थी कि भाई जो पटना हावड़ा वंदे भारत जो है ना वो आप इनॉग्रल में जो है ना वो जाएं, और अभी जो है ना वो हम लोग आ चुके हैं पटना रेलवे स्टेशन पर और आपको पटना हावड़ा जो वंदे भारत जो है ना वो दिखाने के लिए। फाइनली जो है ना वो अपने वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पास जो है ना वो मिल गया है, और बाकी आप पीछे जो है ना वो देख रहे होंगे कि वंदे भारत जो है ना वो अभी नहीं आई है, और बाकी अभी जो है ना वो हम लोग पास कलेक्ट करने आए हैं, और बाकी ट्रेन की जो है अभी एक्चुअल जो डिपार्चर है ना वो 12:30 पे है। आप जो मेरे पीछे जो ट्रेन जो है ना वो देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे जो पटना के जो है ना वो लगाई गई है। तो और चलिए अभी आपको मैं पटना वंदे भारत का जो है ना वो आपको इंटीरियर जो है ना वो दिखा देता हूँ कैसा है और कैसा जो है ना वो नहीं है। जो अब जो है ना वो अब हम लोग सीधा वंदे भारत में जो है ना वो ऑनबोर्ड होते हैं और देखते हैं कि वंदे भारत में जो है ना वो कैसा इंटीरियर। वैसे आपको बहुत बार जो इंटीरियर जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, और चलते हैं वंदे भारत के अंदर। फाइनली ये वाला जो कोच है ना वो सिर्फ रेल फैंस और रेल ब्लॉगर के लिए जो है ना वो लगाया गया है यहाँ पे, और थोड़ा चलते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको जो है ना वो। अब हम लोग कार्यक्रम के पास जो है ना वो आ गए हैं। वो हम लोग आ चुके हैं वंदे भारत में, और आपको पूरा सीट जो है ना वो दिखाता हूँ जैसे मैं बनाया हूँ ना वैसे ही बना। जो है वो एसी चेयर कार आपको मैं दिखा दिया, और अब दिखाता हूँ जो इसके जो है फर्स्ट क्लास जो एसी है एग्जीक्यूटिव क्लास वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो अब हम लोग सीधा जाते हैं लोको कैब में जो है ना वो आपको दिखाता हूँ। देखिए क्रेज वंदे भारत का क्रेज है भाई, वंदे भारत का क्रेज। सारे लोग फोटोज वीडियोस ले रहे हैं, क्रेज अलग लेवल है भाई, अलग लेवल। भीड़ देखिए आप लोग पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, कितने सारे लोग सिर्फ देखने आए हुए हैं भाई। अभी भी क्रेज वंदे भारत का कम नहीं हुआ है। बाय 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 बाय। चलिए देखिए अपने माननीय जो भी है सांसद वगैरह, और बाकी ट्रेन जो है ना वो यहाँ पे चल दी है। जय जवान जय किसान जय बिहार। ये देख सकते हैं पटना का संपत्ति।
ये देखिए भाई साहब अलग ही माहौल है, खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। चलो बस करो, अभी स्किप करेगा राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर पटना साहिब में रुके किसी थे तो भाई बाकी यहाँ पे एक ट्रेन को जो है ना वो हम लोग बाकी काशी पटना जन शताब्दी और आज सारी ट्रेनें जो है ना वो पटना पे बहुत सारे लेट होके आएंगी सब। भैया कौन सी गाड़ी आ गई? पलामू पलामू समस्तीपुर जयनगर इंटरसिटी, समस्तीपुर जयनगर इंटरसिटी पटना। ट्रेन अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल को क्रॉस कर रही है, स्किप कर रही है। तो भाई भीड़ भाड़ आप जो है ना वो देख सकते हैं सामने राजेंद्र नगर स्टेशन पे। बाकी यहाँ पे जो है ना वो वाटर बॉटल अभी सर्व किया जाएगा और ख़त्म हो गया है और अभी जो है ना वो हम लोग के पास आएगा वाटर बॉटल और अभी खाना भी जो है ना वो अभी सर्व किया जा रहा है। तो चलिए अभी जब आ रहा है खाना तब मैं सीधा आपसे जो है ना वो मिलता हूँ। और बाकी जो यहाँ पे खाना पीना जो है ना वो बांटना स्टार्ट कर दिया गया है और देखते हैं क्या चीज़ है आज खाने में। आज लंच वगैरह खाना पीना सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। थैंक यू भैया। और ये देखिए हमारा लंच आ चुका है यहाँ पे। तो भाई हमारा लंच आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे पानी भी हमारा आ चुका है भाई लंच के साथ साथ। पानी जो है ना वो पूरा रेल नीर का जो है ना वो पानी दिया जा रहा है। बाकी अपना जो खाना है ना वो आ गया है और देखते हैं आज के खाने में जो है ना वो क्या है। और बाकी जो है ना वो खाना आप देख सकते हैं वो क्या है। खाने में यहाँ पे जो है ना दही जो है ना वो मिल रहा है, दही भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है तो ये देखिए हमने ओपन कर लिया है, मखनी लग रही है यहाँ पे। ठीक है ये देखिए पुलाव है काफी अच्छा है और ये यहाँ पे पनीर की सब्जी है और यहाँ पे आलू की सब्जी है सूखी सब्जी यहाँ पे पिकल। बाकी आप देख सकते हैं और अभी यहाँ पे जो है ना वो चावल मिला है और ये सब्जी और बाकी इसमें रोटी रहेगा और बाकी यहाँ पे जो है ना वो मिष्टी का दही जो है ना वो मिला है और बाकी दो दाल जो है ना वो मिला है और बाकी एक गुलाब जामुन के साथ ये पूरा जो खाना है ना वो है। यही सिटी है ना, पहुंच चुके हैं हम लोग समय से बिल्कुल आधे घंटे लेट। और जो पटना साहिब रेलवे स्टेशन और बात करें इस पटना साहिब रेलवे स्टेशन की ना तो यहाँ पे जो है ना वो गुरु गोविंद सिंह का जो है ना वो यहाँ पे जन्म स्थल हुआ था। और क्या है ना कि हम लोग जो है ना वो वंदे भारत के जो है ना वो पूरा गेट के पास ही रह रहे हैं क्योंकि कभी जो गेट है ना वो बंद हो सकता है। जो आप क्राउड है ना वो आप पूरा देख सकते हैं कितना जो क्राउड है ना वो है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग जो है ना वो देखने आए हैं इस ट्रेन को। मतलब इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है ना लोगों की कि पुलिस को यहाँ पे आकर के उनको हटाना पड़ रहा है। मतलब गजब वाला एक्साइटमेंट है यार। भाई बहुत ज्यादा जो भीड़ है ना वो है यहाँ पे पटना साहिब स्टेशन पे। केंद्रीय मंत्री ये देखिए ट्रेन पटना साहिब से निकल गई है। तो भाई भयंकर पूरा 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से खुसरूपुर को जो है ना वो स्किप कर रहा है। ताबड़तोड़ जो वंदे भारत है ना वो स्किप कर रहा है। और भाई इतना तेज हिल रहा है ना पूछो ना।
देख लीजिए भाई साहब, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो भाई देख सकते हो ये ऐसा, तो देखते हैं इसको ओपन करके क्या कुछ है, दिखाते हैं आप। पहले जो है ना वो मिलता है आपको एक ऐसे, और देखते हैं इसमें क्या है। हाँ ओपन करो। और इसमें सबसे पहले पेन, वो एक पेन मिली है, और वो भी आपका रिनॉल्ट का पेन है, काफी अच्छा भी लग रहा है। और पेन खोल के भी देखते हैं, पेन भाई काफी अच्छा लग रहा है। और इससे पहले जो है ना वो वंदे भारत का ही पेन मिला था आपको, और इस बार जो है वो अलग कंपनी का पेन मिल रहा है। और देख लेते क्या है। और एक डायरी जो है ना वो मिला है, और ये डायरी देख लेते इसमें क्या है। बाकी सिंपल जो सिंपल डायरी है, और एक सबसे खास जो चीज़ है ना वो मिला है इसमें। और क्या कुछ है, सबसे खास चीज़ जो है ना वो आपको कप जो है ना वो मिला है यहाँ पे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वाह ऑसम भाई, कप तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह कप जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। आपको पूरा वंदे भारत का जो शाइनिंग है ना वो भी आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त। हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, 24 सितंबर को जो है ना इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। चलो बंद करें। तो भाई आप बाढ़ का जो है ना वो देख सकते हैं यहाँ पे, और ये बाढ़ रेलवे स्टेशन है बिहार का भी एक, और यहाँ पे भी लोग जो है ना वो सेल्फी लेने के लिए जो है ना वो लोगों का जो होड़ है ना वो है, मजा है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं कितना दूर से दूर दूर से लोग जो है ना वो आकर सेल्फी ले रहे हैं। बोलो हमें क्यों बोल रहे हो भाई? अरे महाराज, जय हो महाराज, बोला जय हो महाराज, जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार बोलो, जय बिहार। जब ये कमर्शियल लाइन में चलेगा देना चाहिए, अच्छा रहेगा, बहुत सारे लोग सफर कर पाएंगे। वैसे बाढ़ में एनटीपीसी भी आपको पता ही होगा। अच्छा भैया, आप तो काफी ट्रेन का सफर करते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, है? हाँ, जी। तो आप हमारे वंदे भारत के हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो ये अपनी ट्रेन निकल चुकी है बाढ़ रेलवे स्टेशन से, कई सारी काफी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, 2:26। तो भाई बाकी आप इतना जो भीड़ का जो जनसैलाब है ना वो देख सकते हैं, कितना जो जनसैलाब है ना वो है। बाकी आप बस मोबाइल ही मोबाइल जो है ना वो देख सकते हैं, जो रेलवे ट्रैक है ना वो पूरा भर चुका है। बाकी आपको रेलवे ट्रैक जो है ना वो नहीं देखने को मिलेगा। चलो आप सामान लेके इधर आते हैं। हाँ यार, उधर बहुत भीड़ है, तो वही रुक जाओ चलने भी। बाढ़ रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन पार करती हुई, यहाँ पे भी लगभग 10 मिनट ट्रेन को रोका। देख सकते हो ट्रेन चल रही है और ट्रेन में साफ सफाई हो रहा है। बाढ़ का लाइट आपके पास है? बहुत है, बाढ़ का लाइट 300-400 किलो है। और भाई मोकामा जो है ना वो हम लोग पहुंचे हैं, और बाकी मोकामा में जो है ना वो आप इतना भीड़ जो है ना वो देख सकते हैं। और बाकी उधर जो है ना वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे जो है ना वो लगी है अकाल तख्त एक्सप्रेस, जो अपनी रैक शेयर करती है अनन्या एक्सप्रेस के साथ। और अभी जो है ना नीचे हम लोग का पानी बोतल जो है ना वो फिर से एक बार आ गया है। और बाकी ट्रेन जो है ना वो ऐसे निकलते ही काफ़ी स्पीड में जो है ना वो आ गई है। मोकामा में और बाकी उधर जो है ना वो न्यू ICF कोचेज जो है ना वो लगाए गए हैं वहाँ पे उधर। अच्छा हाँ,
है, इसके पार होते ही हनुभर नदी से हम गुजरने वाले हैं। शेखपुर नवादा गया के रास्ते लकी सराय पे जो है नवा के मिलती है लकी सराय जंक्शन। ओवरटेक होगा तो भाई लक्की सराय रेलवे स्टेशन जंक्शन है क्या ये? हाँ लक्की सराय जंक्शन। लक्की सराय जंक्शन पे हम लोग आ चुके हैं और सामने हावड़ा गया एक्सप्रेस खड़ी हुई है। हावड़ा गया एक्सप्रेस काफी ज्यादा भीड़ है भाई। गया पूरा भयंकर पूरा भीड़ भाई हावड़ा गया एक्सप्रेस में। गजब की भीड़ है भाई हावड़ा गया एक्सप्रेस में। लक्की सराय भाई चाहे स्लीपर हो चाहे जनरल बहुत ही भयंकर भीड़ के साथ जो ट्रेन है ना वो जा रही है हावड़ा गया एक्सप्रेस। और ट्रेन जो है ना वो यहाँ से निकल भी चुकी है और शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि इस ट्रेन को ओवरटेक भी करेंगे हम लोग बहुत ही जल्द। और फाइनली जो ट्रेन थी ना वो अब लकी सराय जंक्शन से जो है ना वो निकल रही है। बाकी इधर जो है ना वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम था और बाकी इधर देख सकते कितना भीड़ जो था ना वो है लक्की सराय जंक्शन। तो भाई अभी जो है ना वो हम लोग लक्की सराय जंक्शन को जो है ना वो स्किप कर रहे हैं मतलब स्किप नहीं कर रहे हैं यहाँ से जो है ट्रेन थी ना वो रुकी थी और बाकी यहाँ पे कई सारे जो नेताएं हैं ना वो आए थे जंक्शन। और चलिए अब अगला स्टॉपेज जो है ना वो जमुई जंक्शन जमुई है और देखते हैं वहाँ पे कौन से जो नेता है ना वहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वहाँ पे चिराग पासवान जो है ना वो आने वाले हैं। चलिए वहाँ पे आपको सीधा आपको दिखाता हूँ। और ये आ चुका है अपना क्यूल जंक्शन को स्किप करती हुई अपनी वंदे भारत। देखिए और यहाँ पे ट्रेन का ओवरटेक भी जो है ना वो पड़ रहा है। ओवरटेक मारती हुई अपनी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कोई ना कोई इंटरसिटी जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो ही है। और इधर हावड़ा गया जो है ना वो जो हावड़ा गया एक्सप्रेस था ना वही इसी ट्रेन को हम लोग ओवरटेक उधर भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं।
इधर वेब 5 के साथ हम लोगों ने ओवरटेक किया है। दून एक्सप्रेस जो है ना वो यहाँ पे खड़ी है और अभी जो है ना हम लोग पहुँचे हैं जमुई, और जमुई पे जो है ना यहाँ पे दून एक्सप्रेस खड़ी है जिसको हम लोग ओवरटेक करेंगे अभी। ये अब मिल रही है, बताओ दून एक्सप्रेस। तो भाई यहाँ पे जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो आ गया है, और बाकी जो है ना वो जेसीडी रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को जो है ना वो डिबोर्ट कर दिया। और आपको पूरी ये जर्नी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन की जर्नी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी लोग का।